गिरफ्तार हो गए जिनको हेलीकॉप्टर सप्लाई करना था। ये विषय भारत में उठा है और मैं विशेष रूप से इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स नाउ का नाम लूंगा। इंडियन एक्सप्रेस ने फरवरी 2012 से अक्टूबर के बीच में कई बार इस विषय को उठाया, सरकार खामोश रही। आपको मालूम है कि रक्षा सौदों में किसी प्रकार का कमीशन इलीगल है, इट इज ए क्राइम, वो एक अपराध है। मेरे पास एक एग्रीमेंट है जो टाइम्स नाउ ने 27 मार्च 2012 को टेलीकास्ट किया था और उनके वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसमें ऑगस्टा वेस्टलैंड ने न्यूयॉर्क की कंपनी गेंटन लिमिटेड के साथ दिल्ली पुलिस को हेलीकॉप्टर सप्लाई करने के लिए कमीशन की बात की। इसके पैराग्राफ 2 में पूरे कमीशन की चर्चा है और उसके आप एग्रीमेंट को देखें तो 8 से 15% कमीशन ऑफर किया गया। बीजेपी की ओर से हम एक सवाल उठाना चाहेंगे, अगर दिल्ली पुलिस जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है वहां पर यही हेलीकॉप्टर कंपनी अगर 8 से 15% कमीशन ऑफर कर रही है तो रक्षा मंत्रालय में 12 हेलीकॉप्टर सप्लाई करने के लिए कमीशन ऑफर क्यों नहीं किया गया होगा? और किया गया है। बड़ा सवाल यह उठता है कि कई मिडिलमैन के नाम सामने आ रहे थे, कोई त्यागी ब्रदर्स, कोई चंडीगढ़ की कंपनी। आज के तो मीडिया की जानकारी है कि फॉर्मर एयर चीफ त्यागी का भी नाम सामने आया है। अगर यह विषय एक साल से उठ रहा था तो हम सीधा सवाल करना चाहेंगे, एक साल की चुप्पी क्यों, क्यों नहीं कार्रवाई की गई? बीजेपी की ओर से इस विषय को संसद में उठाया गया था, प्रकाश जावड़ेकर ने, हमारे जो सांसद प्रवक्ता है, उन्होंने भी उठाया था। इसका उत्तर दिया गया कि कोई गड़बड़ी नहीं है। हम ये जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों किया गया और ये बात हम बहुत जिम्मेदारी से उठाना चाहते हैं कि क्या इटली सरकार से सूचना नहीं आई या सूचना गंभीरता से लेने की कोशिश नहीं की गई। इटली में जांच चल रही थी, इस कंपनी में जो ऑगस्टा वेस्टलैंड की मेन पेट्रन है इटली में, जिसके सीईओ गिरफ्तार हुए हैं, इसमें इटली सरकार का भी 30% स्टेक है। इसके बावजूद वहां का एंटी करप्शन ब्यूरो जांच कर रहा था और जांच कर करके उन्होंने उसके सीईओ को गिरफ्तार कर लिया। तो हम एक बहुत ही गंभीर सवाल उठाना चाहते हैं, बोफोर्स में एक कोत्रोकी महाशय थे जो इटली के थे और उनको बचाने की पूरी कोशिश की गई, और क्या एक साल से इस कंपनी के बारे में जांच इसलिए नहीं की जा रही थी कि यह कंपनी इटली की थी? यह हम बहुत ही सवाल बड़े ही जिम्मेवारी से उठाना चाहेंगे। जब मीडिया में यह विषय आया, मिडिलमैन का नाम सामने आ रहा है, इटली में जांच चल रही है, वहां के सीईओ गिरफ्तार हो रहे हैं और भारत सरकार में कोई जांच भी नहीं होती। ये 3,500 करोड़ जनता के टैक्स का पैसा है, ये भारत सरकार का पैसा नहीं है। और मैं रक्षा मंत्री एके एंथोनी से पूछना चाहूंगा, जब ये मामला चल रहा था तो उन्होंने संसद में गलत बयानी क्यों की, पूरे तथ्यों को क्यों नहीं रखा? रक्षा मंत्रालय में रक्षा सौदों को लेकर गंभीर सवाल उठते रहे हैं, टाटा ट्रक के बारे में कई सवाल उठे, बाकी उठे हैं। बीजेपी इस पूरे ऑगस्टा वेस्टलैंड डील पर पुनर्विचार की मांग करती है, दे मस्ट बी रिव्यूड, और आगे की सप्लाई रोकी जाए, अभी 3 सप्लाई हुआ है। और एक सवाल प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी से पूछना है, क्या आपकी सरकार में हर विभाग में लूटी है क्या? टेलीकम्युनिकेशन में जाइए तो लूट है,
कोयले में जाइए तो लूट है, रक्षा मंत्रालय में दलालों की चलती है। ये कौन सा हिंदुस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है? क्या भारत सरकार इस तरह के जो क्रोनी कैपिटलिज्म के इशारे पर लोग काम करते हैं, क्या उनको प्रमोट करने के लिए एक प्रकार से काम कर रही है? ये विषय उठते हैं फिर भी कार्रवाई नहीं होती। बीजेपी इस पूरे मामले को संसद के अंदर और संसद के बाहर बहुत ही गंभीरता से उठाएगी। मित्रों, मुझे अपनी ओर से इतना कहना था। इंडिया गवर्नमेंट डिड नॉट ऑर्डर सप्लाई, डिड इट? देयर वॉज नो प्रोविजन फॉर कमीशन, डिड इट? ये जवाब ये है, सरकारों में तो रक्षा के सौदे होते हैं, लेकिन क्या कोई कमीशन की बात आई थी? हेलीकॉप्टर खरीदना चाहिए, सेना के लिए अस्त्र खरीदने चाहिए। सवाल है कमीशन का, सवाल है जनता के सामने सारे विषय को आने पर भी कोई कार्रवाई नहीं करने का। ये विषय में उठाना चाहिए। आपका शुरू हुआ काम में सब कुछ हुआ, आपको भी जिम्मेदारी नहीं है? मैंने एक सवाल किया, क्या हमारे समय में कोई कमीशन की बात है? इनिशियल आग्रह तो होता है, हेलीकॉप्टर की जरूरत है। इसलिए ये बात बिल्कुल गलत है। और अगर मिस्टर त्यागी ये बात कह रहे हैं तो मिस्टर त्यागी की भूमिका की और जांच होने की जरूरत है। तो मिस्टर त्यागी से क्लोज लोग कमीशन एजेंट के रूप में सामने आए। देयरफॉर इफ मिस्टर त्यागी हैज मेड दिस कमेंट, हिज कमेंट इज टू बी टेकन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। सर, एके एंटनी ने भी देर पहले ही कहा कि किसी तरीके से जब तक सीबीआई इंक्वायरी नहीं हो जाती है वो कुछ भी कार्रवाई नहीं करेंगे, और सीबीआई इंक्वायरी होने के बाद भी सख्त कार्रवाई होगी। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, सीबीआई इंक्वायरी करके क्या मामले को डिले कर रहे हैं? क्या प्रेसिपिटेट एक्शन ले रही है? और एंथोनी साहब एक सवाल का जवाब दे, एक साल से वो खामोश क्यों थे, कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये गंभीर विषय है। आपके समय उससे कम्प्रोमाइज किया? मैं आपसे इतना ही कहना, ये एसपी त्यागी का वर्जन है जो त्यागी साहब की भूमिका खुद संदेह के घेरे में। ये गंभीर सवाल समझिए, जिनके दो तीन रिश्तेदारों को लेकर चर्चा है कि वो मिडिलमैन के रूप में काम कर रहे थे, आज के अखबारों में विस्तार से छपा है और पहले भी आया है। इसलिए उनकी बातों पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं आपसे इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि इस मामले में जो कमीशन देकर अपराध किया गया है तो सीधा भ्रष्टाचार है। इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे डील पर पुनर्विचार किया जाए। और इस सरकार में जो ये चल रहा है, ये सिर्फ एक विभाग का विषय नहीं है। दुनिया में बार बार ये मैसेज जा रहा है कि हिंदुस्तान में काम कराना है तो चाहे टेलीकॉम की लाइसेंस लेनी हो, चाहे कोल का ब्लॉक लेना हो, चाहे रक्षा सौदों की बात हो, हर जगह अगर हम कमीशन देंगे, लोगों को खुश करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। ये गंभीर सवाल है। इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ एनडीए जनता पार्टी की सुब्रमण्यम स्वामी हैज सेड दैट देयर इज एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ सन इन लॉ ऑफ वन ऑफ द सीनियर ऑपोजिशन लीडर, इजंट इट दैट? आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। सर, व्हाट रियली इज गोइंग टू बी द एक्शन प्लान ऑफ द बीजेपी इन द डेज टू कम ऑन एन इशू लाइक दिस? एज फार एज द इशू इज कंसर्न्ड, we will finalize our strategy, but I see it the making of a second Bofors in this, that is more important. And the government till date has not been able to satisfactorily explain why a silence for 1 year, why gross inaction for 1 year, in spite of major news channels, documents coming into public domain, newspapers pursuing it, the issue being debated repeatedly, yet the government chose to completely be blind to this whole massive scale of corruption when there was a proper evidence available even now as to how in case of Delhi police commission were offered by the same helicopter company, though it didn't materialize. Therefore, why should we not presume that in case of defense deal which is just adjacent to the home ministry, the same would have been offered? And Mr. A.K. Anthony, please explain first. And I would like this question to be put to Shrimati Sonia Gandhi and also the Prime Minister Dr. Manmohan Singh.
when these things were in public domain, why did the government not choose even to initiate a preliminary inquiry? Allowed the receipt of the helicopters, delivery of helicopters. And what serious attempts were made to get information from the government of Italy, where the entire investigation was going on, and they went to the extent of even arresting the chief of that company, the principal company which was to supply. Therefore, the suspicious circumstances surrounding raises one fundamental question again. The fact that it was an Italian company, was it a ground to go slow that the BJP would like to know? Sir, could you answer two questions? The government version that the Italians didn't share the information to the government of the inquiry. I think knowing some governmental experience, it is not difficult to get information if you are serious about it. CBI जांच उन्होंने कल घोषणा किया है जब इटली में गिरफ्तार हो गए. बड़ा सवाल अभी पूछ रहे हैं उन्होंने पहले कार्रवाई क्यों नहीं की, और अब वो कह रहे हैं कि एक साथ जब तक ये सीबीआई की रिपोर्ट नहीं आएगी. और गंभीर मामलों में सीबीआई को कितनी ईमानदारी से काम करने दिया जाता है ये हम देख रहे हैं, चाहे वो 2G हो, चाहे वो कोलगेट हो, चाहे बाकी मामले हो. रविशंकर जी, सर, टू क्वेश्चंस. वन, व्हाट इज गोइंग टू बी द बीजेपीज मेन डिमांड इन दिस पर्टिकुलर केस, एंड सेकंडली अ पार्लियामेंट सेशन इज कमिंग अप, विल दिस इशू बी टेकन अप देयर? श्योरली दिस इशू विल बी टेकन इन अ वेरी बिग वे. मिस्टर एंथोनी नीड्स टू एक्सप्लेन व्हाई डिड ही नॉट प्रेजेंट द करेक्ट फैक्ट्स बिफोर पार्लियामेंट. Mr. Anthony, please explain how you could not get the information from the government of Italy when the government of Italy was itself ordering inquiry by the anti-corruption squad. The question will also go to the Prime Minister. Therefore, when your law says no commission to be payable in case of defense deal, here was a case that middlemen names were appearing with alarming regularity. And here was a case, there was a complete document in case of Augusta with a proper New York company, Ganton Limited, where commission was offered in case of supply of helicopter to Delhi police. It did not materialize. But this company is in the habit of paying commission is well known, documented. Even now, this deal is available on the website of Times Now. You can have it. Sir, the demand of in this particular case, what is the demand from the ऐसा है, हम इस विषय पर अपनी स्ट्रैटेजी तय करेंगे. ये सरकार घिर गई है. ये विषय इतना गंभीर बनने वाला है कि ये सिर्फ रक्षा मंत्री तक नहीं है, ये विषय उसके ऊपर भी जाएगा. हम अपनी स्ट्रैटेजी इसमें फाइनलाइज करेंगे. अभी के लिए हमने इतना अवश्य कहा है, इस पूरे डील को रिव्यू किया जाए.